हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बनाएंगे ये दो नंबर के कान्हा जी की चोली, जो कि मैंने बनाई है कॉटन थ्रेड से। और देखिए, इसमें जो मैंने क्रोशिया यूज किया है उसका जो साइज है, क्रोशिया हुक का साइज है 0.6 mm। तो इससे मैंने ये चोली बनाई है। तो चलिए आज देखते हैं कि इस चोली को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक कॉटन का थ्रेड लिया है। देखिए, बहुत ही पतला थ्रेड है, हल्की ठंड में कान्हा जी को हम पहना सकते हैं ये ड्रेस बनाकर। नॉट लगा लेंगे और नॉट लगाने के बाद में चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। देखिए, धागा मेरा बहुत पतला है, इसलिए मैं इसमें 20 चैन ले रही हूँ और 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। 1, 2, 3, फिर से धागा लेंगे क्रोशिया ऊपर और ऊपर से 3 चैन को हम स्किप कर देंगे और फोर्थ चैन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, एक हमारी 3 की चैन है और एक डबल क्रोशिया है, तो टोटल हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गई, क्योंकि जो 3 की चैन है उसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो सभी चैन स्टिच के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास 21 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारी 3 की चैन है जो हमारी एक्स्ट्रा बनेगी, ठीक है। तो 21 डबल क्रोशिया इसमें बनकर तैयार होंगी। और देखिए, अगर आप ऊन से इसको बना रहे हैं चोली को, तो जो इसका फर्स्ट राउंड है जहां मैंने ये डबल क्रोशिया किया है, वहां आप सिंगल क्रोशिया से भी इसको बना सकते हैं। 2 नंबर के कान्हा जी की है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप मोटी ऊन से बना रहे हैं तो आप सिंगल क्रोशिया से इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट करिए, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरीके से सभी चैन स्टिच के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इसको कंप्लीट करें। अब देखिए, राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब राउंड कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से 3 की चैन बनाई है, आप टर्न कर लेंगे और जहां से हमने 3 की चैन बनाई है उस चैन स्टिच को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से सेम प्लेस पर एक और डबल क्रोशिया करेंगे, तो एक चैन स्टिच में हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से 2 करेंगे और इसी तरीके से पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। सभी चैन स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए, ये राउंड भी हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे। देखिए, इसमें 1, 2, 3 की चैन बनाएंगे, जैसे हम हर अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में बनाते हैं। अब देखिए, जहाँ से हमने चैन बनाई है उसे हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हमने 5 डबल क्रोशिया किया। अब हमारे पास जो छठा चैन स्टिच है उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2 और फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे और छठे चैन स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से हर छठे डबल क्रोशिया में हम 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। सॉरी, जो छठा चैन स्टिच आएगा उसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे देखिए, 4 हो गए, 5, और ये हमारा छठा चैन स्टिच है जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 किया, सेम प्लेस पर दूसरा करेंगे, धागा लेंगे, फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे 5 अलग अलग चैन स्टिच में, और जो छठा चैन स्टिच आएगा उसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें से आर्म होल बनाएंगे। तो देखिए टोटल मिलाकर मेरी 47 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुई हैं इसमें, ठीक है। अब 47 में से हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 6-6 डबल क्रोशिया तो हम फ्रंट साइड में रखेंगे, ठीक है। 6-6 डबल क्रोशिया रखेंगे, तो देखते हैं, देखिए 2, एक हमारी 3 की चैन है, 3, 4, 5 और एक 6, ठीक है। अब 6 डबल क्रोशिया मैंने इधर बनाए। अब इसमें से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चैन स्टिच को स्किप करेंगे। जो 11वां चैन स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने फ्रंट साइड में रखे हैं और 10 डबल क्रोशिया का आर्म होल बनाया है, ठीक है। आप देखिए फिर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। और ये 14 डबल क्रोशिया मैंने बैक साइड में रखे हैं। जहां ये 14 डबल क्रोशिया बनाई है वो हमारा बैक साइड होगा। और देखिए 10 चैन स्टिच का, 10 डबल क्रोशिया का हमने आर्म होल बनाया है और 6 डबल क्रोशिया हमने फ्रंट साइड में रखी है। अब यहाँ से हम 10 चैन स्टिच या 10 डबल क्रोशिया फिर से स्किप करेंगे, छोड़ेंगे आर्म होल के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब 11वें चैन स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। देखिए हमारा आर्म होल बन गया, 2, 3, 4, 5 और 6, लास्ट में हमने 6ठा डबल क्रोशिया बनाया। 3 की चैन बनाएंगे, तो देखिए हमें फंदे इस तरीके से, जो डबल क्रोशिया है हमारे वो हमें इस तरीके से डिवाइड करनी है कि हमारी फ्रंट साइड में दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है। एक या दो डबल क्रोशिया अगर हमारा एक्स्ट्रा भी बैठता है तो हम उसको अपने बैक साइड में लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या हुआ है, देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने इधर रखे हैं, 6 इधर रखे हैं, 12, और मेरे पास 2 डबल क्रोशिया इसमें एक्स्ट्रा थे तो वो मैंने बैक साइड में लिए, और 10-10 डबल क्रोशिया का मैंने आर्म होल रखा है। अब हम इसमें एक राउंड और कंप्लीट करेंगे। एक हमने 3 की चैन बनाई, एक डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चैन स्टिच में, नेक्स्ट में फिर से करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक बार पूरा बना के दिखा देती हूँ कि मेरे पास कितनी डबल क्रोशिया बनने के बाद में बची हैं फ्रंट और बैक में। 3 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
21, 21। तो देखिए इस तरीके से मेरी ये 46 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुई है। एक मैंने बीच में इसमें यहाँ स्किप, सॉरी ये छूट गया है, नहीं तो 47 थी। ये देखिए हमारी चोली बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी चोली बन चुकी है, बहुत ही प्यारी सी चोली बन के आई है फ्रेंड्स। और देखिए कॉटन का थ्रेड है, बहुत ही हल्की फुल्की सी ड्रेस बनती है इससे। हल्की ठंड में आप कान्हा जी को अच्छे से बना सकते हैं, ये देखिए। और अब हम इसको घेरा बनाने के लिए आर्म होल तक स्लिप स्टिच के साथ में लेकर जाएंगे। ज्वाइन कर दिया, नेक्स्ट मैं फिर से एक स्लिप स्टिच करूंगी, नेक्स्ट मैं फिर से एक, और आर्म होल तक हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमारा आर्म होल तक ये ज्वाइन हो गया। यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो फ्रंट साइड से भी घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका बॉर्डर करेंगे। तो बॉर्डर के लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है, ग्रीन कलर से इसका बॉर्डर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं अपनी ड्रेस ये टेस्ट करती रहती हूँ। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे और फिर से देखिए उसी जगह पर इस तरीके से डालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से एक, दो, तरीके से धागा लिया, देखिए तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से एक, उसी में से दो बार किया। अब यहाँ हम दो की चैन ले लेंगे और फिर से इसी जगह पर दो हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, एक और दो। ठीक है, फिर से धागा लेंगे। अब ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया गैप है इसे हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, सेम प्लेस पर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए चोली बनकर हो चुकी है तैयार, और देखिए मैंने इसका बॉर्डर भी बना के कंप्लीट कर लिया। ये बैक साइड है इसका, तो देखिए प्रॉपर मैंने कॉटन थ्रेड से ये बनाई है। और फ्रेंड्स अगर आप कॉटन थ्रेड से कोई भी अगर कान्हा जी की ड्रेस या माता रानी की ड्रेस, कोई भी अगर आप ड्रेस बनाते हैं तो बहुत ही लाइट वेट ड्रेस बनती है। देखिए अगर आपको मेरी ये चोली पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।